हम बोजाजी श्री विष्णु गोपाल स्वामी टेम्पल। क्या ये टेम्पल असली सोने का है? आपने पिछले मिनी ब्लॉग में देखा, तिरुपति से निकलकर हम पहाड़ के टॉप पर पहुंच जाते हैं, यानी तिरुमला में। हम सब पहुंचते ही हमें सामने देखने को मिलता है एक सुंदर सा एंट्री गेट। एंट्री गेट से निकलते ही जीप में बैठे हुए हमें रास्ते में आने वाले हमें सुंदर से दृश्य देखने को मिलते हैं। सुंदर से नजारे देखते हुए हम पहुंच जाते हैं श्री विष्णु गोपाल स्वामी टेम्पल, जहाँ पर हम सब गाड़ी में चप्पल उतार के हम निकल जाते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पर इस मंदिर का एंट्री गेट काफी सुंदर होता है। इस सुंदर से बाजार से होते हुए हम लाइन में लग जाते हैं। हम सब लाइन में तो लग जाते हैं, लेकिन लाइन काफी ज्यादा लंबी होती है। लाइन में लगते हुए हम 10 मिनट बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर के पास। फिर हम सब मंदिर के पास से होते हुए एक और लाइन में लग जाते हैं। हमें मंदिर के लेफ्ट साइड में देखने को मिलते हैं और 3 मंदिर, जहाँ पर सारे लोग बारी बारी दर्शन करते हैं। मैं देखता हूँ कि अभी तक लाइन खत्म नहीं हुई है, काफी ज्यादा लंबी लाइन आती है। पूरे आधे घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर के सामने। मंदिर के पूरे आगे का व्यू काफी सुंदर होता है। क्या आपके भी मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये मंदिर असली में सोने का है? मैं बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर सोने का नहीं है। फिर फाइनली हम मंदिर के अंदर आ जाते हैं। अंदर से मंदिर काफी ज्यादा सुंदर होता है। श्री विष्णु गोपाल स्वामी की टेम्पल की पूरी चोरी लिखी हुई है, आप इसे स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। सारे मंदिर के दर्शन करके हम निकल जाते हैं नेक्स्ट।